गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार कंपैरिजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट नहीं होता, इंग्लिश होता, बुद्धिमान स्पीकर्स का यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि गूगल होम मिनी वर्सेस एमेजन एलेक्सा डॉट। यहाँ पर हम 2020 में यहाँ पे इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि पहले एलेक्सा डॉट अलग था, अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन आ चुका है। और थर्ड जनरेशन के हिसाब से क्या एमेजन ने अपने स्पीकर्स में कुछ बदलाव किया है, क्या उनका जो एआई है वो और भी स्मार्ट हुआ है, क्योंकि गूगल एआई में बहुत ज्यादा टक्कर देता है एमेजन को, और एमेजन यहाँ पे बहुत बिकने वाला एआई स्पीकर है। तो क्या है 2020 में, इनके कंपैरिजन करते हैं हम, क्या हाल है दोनों स्पीकर्स का और क्या नया लाया है अमेज़न। साउंड क्वालिटी के भी कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से रेस्पॉन्स किसका बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और इस कंपैरिजन में आपको भी बहुत मजा आने वाला है। फिर आपको इस वीडियो के एंड में आपको इतना क्लियर हुआ कि आपके हिसाब से आपको क्या परचेज करना चाहिए, राइट? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। So guys, मेरे पास यहाँ पर Google Home Mini भी है और Alexa Dot भी है, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी एंड स्टाइल और लुक्स के बारे में। So ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को स्टाइल पसंद होता है, लुक्स पसंद होता है, उनको मतलब नहीं होता साउंड क्वालिटी कैसा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टाइल से मतलब नहीं है, उनको साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। तो दोनों का मैं यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Google Home Mini से। So guys, सबसे पहले जो Google Home Mini का जो ऊपर का फैब्रिक कवर है, ये इसको बहुत ज्यादा कूल लुक देता है। आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, एकदम जो डिजाइन है बहुत मिनिमलिस्टिक है और बहुत ज्यादा सही लगता है अगर आप इसको देखोगे तो। यहाँ पर ऊपर से तो सही है क्वालिटी, पीछे से यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस मिल जाता है इसको, पीछे गूगल की ब्रांडिंग मिल जाती है जो दिख नहीं रही होगी आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा लोगो है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है जिसकी मदद से, बहुत छोटा सा बटन है, आप इसको फील कर पाएंगे, तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है माइक्रो यूएसबी, जिसकी मदद से हमेशा से आपको, चार्जिंग पोर्ट नहीं है एक्चुअली, हमेशा से इसको टर्न ऑन करने के लिए बैटरी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमेशा से इसको टर्न ऑन करने के लिए आपको इसमें जो प्लग है वो लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन का ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने गूगल होम के माइक्रोफोन को बंद कर सकते हैं जब आप नहीं चाहते कि ये आपकी आवाज सुने, राइट? ये तो हो गया भाई गूगल होम का कंपैरिजन। काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, आप इसको एक हाथ में पकड़ सकते हैं, बहुत लाइट है। गाइस, अब बात करते हैं Amazon के डॉट स्पीकर के बारे में, और यहाँ पर जो आता है इसमें गूगल से थोड़ा अलग लुक है। गूगल में ऊपर की तरफ स्पीकर्स थे, बट यहाँ पर स्पीकर्स है इसके चारों तरफ, और यहाँ पर इसका बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा हैवी है गूगल से, बट जो थर्ड जनरेशन वाले नए स्पीकर्स आए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट जो कि है इस जगह पे, और यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है वो माइक्रो यूएसबी नहीं है, दूसरी तरीके का जो गोल सा चार्जर है। और यहाँ पर आपको ऊपर चार बटन मिल जाते हैं, राइट? और गूगल में क्या होता था कि अगर आपको वॉइस बढ़ानी है, साउंड बढ़ानी है, तो यहाँ पे आपको टच बटन मिल जाएंगे जो कि आप ऑन करते वक्त आप फील कर पाएंगे उन्हें। तो साइड में अगर आप टच करेंगे, किसी एक साइड में टच करने पे साउंड बढ़ जाती है, एक साइड पे टच करने पे साउंड यहाँ पर बंद हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। बट यहाँ पर एलेक्सा में यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स मिले ऊपर, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो साउंड बढ़ जाएगी, माइनस पे क्लिक करेंगे तो साउंड यहाँ पर घट जाएगी। और दो बटन भी है यहाँ पर जिनका भी यूजेस मैं आपको जब इसको ऑन करूंगा तब मैं बता दूंगा। बात करते हैं गाइस इसके पीछे के बेस के बारे में, तो बेस इसका भी बहुत अच्छा है, पीछे अमेज़न की ब्रांडिंग मिल जाती है, बट ऐसा है कि अगर थोड़ा सा धूला लगेगा तो, देखो गूगल पे आपको इतना धूला दिखेगा नहीं, बट अगर आप नीचे से धूला देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर गंदगी दिख जाती है, तो मैटर नहीं करता वैसे इतना। बट हाँ, ये भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, हाथ में पकड़ सकते हैं। अगर मैं वेट का यहाँ पर बात करूं तो गूगल होम थोड़ा सा हल्का है जो कि एक प्लस पॉइंट है, बट क्या ये प्लस पॉइंट स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी में डिफरेंस देता है? सो गाइस, बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं पहले साउंड क्वालिटी का टेस्ट। सो गाइस, मेरे माइक में कुछ दिक्कत है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब मैं सबसे पहले गाना प्ले करने वाला हूँ, ऑब्वियसली एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, सबसे पहले Amazon Echo Dot में, उसके बाद Google Home में प्ले करेंगे सेम सॉन्ग। तो शुरू करते हैं यहाँ पर Amazon Echo Dot पे, गाना सुनिए।
Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गाइस एक साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का, तो आप अच्छे से पता लगा पाएंगे कि साउंड किसकी बेटर आ रही है, और मैं भी आपको एंड में बताऊंगा साउंड किसकी बेटर है। एलेक्सा प्ले क्रेडल्स बाय सबअर्बन। प्लेइंग सॉन्ग्स बाय सबअर्बन ट्राइब फ्रॉम हंगामा म्यूजिक। सो गाइज यहाँ पर आपने देखा साउंड क्वालिटी का रिव्यू, और अब मैं अपने व्यूज देने वाला हूँ। पता नहीं आपको कौन सा पसंद आया, मैं अपने व्यूज देने वाला हूँ। देखो ऐसा है, थर्ड जनरेशन पे Amazon ने इस स्पीकर पे, स्मार्ट स्पीकर पे बहुत ज्यादा काम किया है, और जब आपकी बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, तो इसका बेस जो है वो बहुत कमाल का है। सो दूर तक आवाज भी जाती है इसमें, क्योंकि ये सर्कुलर है तो चारों तरफ आवाज फैलाएगा। उसी बात ये है कि जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत कमाल की लगी इसमें, बेस बहुत अच्छा है, बेस और ट्रेबल का जो मिक्सर है वो बहुत कमाल का है। वहीं आते हैं गूगल होम पे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी आवाज लाउड जरूर मिल जाएगी, बट इतनी लाउड नहीं जो कानों को अच्छी लगेगी। इसमें ट्रेबल बहुत ज्यादा है। सो जब आप ओवरऑल साउंड का मैं अगर बात करूं ना, तो आप जब सुनोगे एलेक्सा पे तो आपको बहुत कमाल का लगेगा। ट्रिगर मत होना प्लीज। सो एलेक्सा पे जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो अगर साउंड क्वालिटी के मामले अगर आप खरीदना चाहते हैं स्पीकर, सो बेस्ट स्पीकर होगा एलेक्सा आपके लिए। सो गाइस अब यहाँ पे मैं ट्रिगर करने वाला हूँ दोनों को, और देखते हैं कि कितनी दूर तक कौन ज्यादा रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रिगर करने वाला हूँ। पहले इसको नाम नहीं बोलूंगा वरना ट्रिगर हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले को मैं यहाँ पे ट्रिगर करने वाला हूँ। तो बोलते हैं यहाँ पे एलेक्सा, ट्रिगर हो गया। ओके गूगल, सॉरी आई डोंट सी दैट इफ्ट ट्रिगर। सो गाइस अब यहां से ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस बढ़ गई है। और सब पहले मैं आपको बता दूं कि जो गूगल होम है उसमें दो ही माइक्रोफोन है सिर्फ, और एलेक्सा के अंदर चार माइक्रोफोन है, और उसकी खासियत क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं गूगल कब तक कॉम्पीट कर पाता है। तो फिर से ट्रिगर करते हैं, डिस्टेंस देख लो आप कितनी हो गई है पहले से। एलेक्सा ट्रिगर हो गया। ओके गूगल, सॉरी आई डोंट सी दैट इफ्ट ट्रिगर। तो यहां तक गाइस दोनों बराबर है। अब मैं और डिस्टेंस बढ़ाता हूं, देखते हैं कौन ट्रिगर होता है कौन नहीं। सो गाइस अब डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और अब ट्रिगर करके देखते हैं। मुझे यहां से गूगल की लाइटिंग पता नहीं चल रही है, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने गूगल की लाइटिंग को देखा है। तो यहां से ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। एलेक्सा, एलेक्सा ट्रिगर हो गया। ओके गूगल, सॉरी गूगल भी ट्रिगर हो चुका है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इतनी दूरी से एलेक्सा गूगल दोनों ही ट्रिगर हो चुके थे। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा और पीछे जाता हूँ और ट्रिगर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं तो आपको बिल्कुल कम दिखूंगा क्योंकि लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, बट देखते हैं इतनी डिस्टेंस से कौन ट्रिगर हो जाता है। एलेक्सा, एलेक्सा बहुत आसानी से ट्रिगर हो गया। सर यहाँ पर इतनी दूर से भी ट्रिगर हो गया। गूगल की बात करते हैं। ओके गूगल, गूगल यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके गूगल ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पर मैंने वॉइस की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई है, तब जाके गूगल यहाँ पर ट्रिगर हुआ है। गाइस अब मैं स्क्रीन से गायब हो जाऊंगा और देखते हैं कौन यहाँ पर ट्रिगर होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एकदम हट चुका हूँ, दूर आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं ट्रिगर करने की कोशिश करता हूँ। एलेक्सा अब यहाँ पर बात करते हैं गूगल होम की। ओके गूगल, डिस्टेंस मैंने कम किया है, अब यहां पर मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा और चेक करूंगा कि कौन ट्रिगर हो जाता है। एलेक्सा, एलेक्सा आसानी से ट्रिगर हो गया। ओके गूगल, गूगल भी यहां पर ट्रिगर हो चुका है। तो देखो
अब मैं गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाला हूं जो कि है कंबाइंड कमांड्स, राइट। कंबाइंड कमांड्स का मतलब ये है कि जब आप स्मार्ट स्पीकर्स को कुछ भी कमांड देते हैं उसमें अगर आपने दो कमांड जोड़ दिए तो कौन यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स कर पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों की जो साउंड है वो जीरो करने वाला हूं, उसके बाद यहां पर मैं दोनों को कमांड देने वाला हूं। सबसे पहला कमांड होगा कोई गाना चलाओ और दूसरा कमांड होगा उसी के साथ वॉल्यूम को 100% कर दो, राइट। तो कौन यहां पर कमांड को ले पाता है एक साथ और कर पाता है दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म, ये भी मैं देखना चाहता हूं क्योंकि स्मार्ट स्पीकर्स है तो स्मार्ट टेस्ट अगर नहीं किया कमांड का तो क्या किया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक ऑन जियो 7 एंड इंक्रीज द वॉल्यूम टू 8। देखते हैं कर पाता है। एलेक्सा ने यहां पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब गूगल पर ट्राई कर लेते हैं। ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक ऑन गाना एंड इंक्रीज द वॉल्यूम टू 75%। देखते हैं क्या होता है। तो देख लो गाइस आवाज आपको सुनने में आ गई। ओके गूगल स्टॉप। सो गाइस यहां पर गूगल ने जो है कंबाइंड कमेंट्स को ले लिया, ठीक है, कंबाइंड कमांड्स को ले लिया, ठीक है, थोड़ा वक्त लगा बट यहां पर गूगल का जो एआई है वो कंबाइंड कमांड्स को ले लेता है। वहीं एलेक्सा ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। अब एलेक्सा को एक बार फिर से ट्राई कर लेते, क्या पता मेरा फॉल्ट हो। एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक ऑन जियो 7 एंड इंक्रीज द वॉल्यूम टू 8। एक और बार ट्राई करते हैं। सो गाइस एलेक्सा का फिर से कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा बट सो गाइस अब ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने वाले हैं और देखते हैं ट्रिगर कौन सबसे पहले होता है। ओके गूगल एलेक्सा देखो ट्रिगर। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। सॉरी आई डोंट सी दैट इफ ट्रिगर। ये वीडियो नहीं बनाने देंगे मेरे को, इनको बोलना है बीच में। बोलो 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 ना। हाँ गाइस सो मैं बात करता हूँ ट्रिगरिंग टाइम तो दोनों का सेम है बट मुझे फिर भी एलेक्सा का थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि वो थोड़ा क्या है ना कि आप गूगल को आपको एग्जैक्टली क्लियर वर्ड्स में बोलना पड़ेगा, ठीक है, आसपास नॉइज होगी तो नहीं सुनेगा। और एक और बात बताता हूँ जो इसमें मेरे को थोड़ी सी गलत लगती है वो है कि अगर लाउड म्यूजिक चल रहा है ना, ऑब्वियसली इसमें दो माइक्रोफोन है तो थोड़ी दिक्कत आती है बट जब लाउड म्यूजिक चल रहा है आपको बहुत जोर से चिल्लाना पड़ेगा इसको ट्रिगर करने के लिए क्योंकि लाउड म्यूजिक के बीच में ये सुन नहीं पाता है। और सेम चीज अगर मैं एलेक्सा में बात करता हूँ गाइस तो वो ज्यादा नहीं होता, मतलब लाउड म्यूजिक चल रहा होगा तो मैक्सिमम 80 केस में एलेक्सा में बोलूंगा तो सुन लेगा पर गूगल में हमको चिल्लाना पड़ जाता है। कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं मैं कि यार जब ट्रिगर करना है जब लाउड म्यूजिक बजा रहे हो तो सुन क्यों दे रहा है, म्यूजिक चेंज करना होता है नहीं हो पाता, पास में जाके मेरे को इसको चिल्लाना पड़ता तब जाके ये चेंज होता है। सो लो वॉइस में लो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब हाई वॉल्यूम आती है तो ये दिक्कत हो जाती है। सो गाइस फाइनल चीज जो कंपैरिजन में करना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी प्राइस में बताना चाहता हूँ। और आपको लग रहा होगा कि यार गूगल यहाँ पर कम क्यों है, कम फीचर क्यों है, गूगल ऐसी बड़ी कंपनी है जो एआई का बहुत अच्छा यूज करती है वो एमेजन से पीछे कैसे रह रही है। तो गाइस सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ये 2020 का कंपैरिजन है। देखो इसके कंपैरिजन बहुत हो चुके हैं पहले बट मैंने इसको नए तरीके से इसलिए किया है क्योंकि ये थर्ड जनरेशन स्पीकर है एमेजन की तरफ से और जो गूगल होम है मिनी है इसका सिर्फ सेकंड जनरेशन अभी तक निकला है, ये सेकंड जनरेशन का स्पीकर है। सो यहाँ पर एलेक्सा जो है थर्ड जनरेशन वाला है और जो गूगल होम मिनी है ये सेकंड जनरेशन का है। जब गूगल की तरफ से नया स्पीकर आएगा तो ऑब्वियसली उसमें जो फीचर्स है वो एनहेंस्ड होके आएंगे, कुछ नई चीजें आएंगी और एक बेटर वर्जन मिलेगा हमें। सो हाल फिलहाल तो मैंने गूगल के प्रीवियस वर्जन से यहाँ पर कंपेरिजन किया है। सो गाइज देखो मुझे ये नहीं पता कि गूगल का थर्ड जनरेशन कब आएगा बट अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं ना गाइस तो प्राइस मैं आपको बता दूं अमेज़न की वेबसाइट पे आपको ये 3500 रुपीस में मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट में मिलेगा। ऑब्वियसली अमेज़न गूगल हमको नहीं बेचने वाला है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आपको ये 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। देखो ऐसा है 4000 रुपए में मत खरीदना इसको कभी भी, अगर आपको यार 4000 रुपए दिखा रहा है ना प्राइस बिल्कुल भी मत खरीदना क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है और मैंने खुद ने इसको फेस्टिवल टाइम पे 2500 रुपीस की प्राइस में खरीदा था गाइस। सो ऐसा है कि अगर आपको स्मार्ट स्पीकर लेना ही है ना, अगर आप 4000 रुपए खर्च करना चाहते हो तो 4000 मत खर्च करो, 3500 रुपए में आपको थर्ड जनरेशन वाला अमेज़न इको ही ले लेना चाहिए और गूगल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर गूगल का नया वर्जन आता है ऑब्वियसली उसमें नए फीचर्स आएंगे और इसी प्राइस रेंज पे अगला स्पीकर भी आ ही जाएगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप खरीदे ये दोनों के। सो गाइस अचानक से मुझे शिफ्ट करना पड़ा, मेरे गिम्बल की बैटरी यहां पर खत्म हो चुकी थी तो अचानक से वो मर गया। सो गाइस बात कर रहा था मैं प्राइस पॉइंट के ऊपर। सो गाइस मैं कहना चाहता हूं कि जो
Amazon है उसका प्राइस अभी सही है और आप उसे ले सकते हैं क्योंकि वो नया वर्जन है। गूगल होम आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर आपको गूगल के प्रोडक्ट्स पसंद है, बट अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा गूगल को परचेज करने के लिए। हाल फिलहाल दोनों प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप दोनों को जाके चेकआउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं उन्हें। ऑब्वियसली गूगल होम आपको सस्ती प्राइस पे मिलेगा अमेजन इको डॉट के मुकाबले। सो गाइज, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरीके के और भी कमाल के टेक वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। मेक श्योर अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और नोटिफिकेशन आइकन को तो प्रेस करना ही यार अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।